फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, देखिए आज मैं आपके लिए क्रोशिया का बहुत प्यारा सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। सिर्फ आपने 2 रो रिपीट करनी और आपका बहुत प्यारा सा डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने क्रोशिया लेना है। मेरा क्रोशिया नंबर 3.5 mm है और मैंने देखिए क्रोशिया वाला ही थ्रेड लिया है। अब आपने देखिए स्टार्ट कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले आपने इसके अंदर चैन डालनी है। तो देखिए आप 5-5 के मल्टीपल से चैन डाली, तो मैंने एक डाल ली, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। देखिए मैंने इसमें 20 चैन डाल ली है और 4 चैन एक्स्ट्रा डालेंगे, 1, 2, 3, 4। अब देखिए 4 के बाद फ्रेंड्स आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से हर चेन के अंदर, देखिए हर चेन के अंदर फ्रेंड्स आपने देखिए यहाँ से इस तरह से फंदा निकालना है और इन दोनों को बुन लेना है इस तरह से, यानी हमने सिंगल क्रोशिया से बुनना है इस तरह। पूरी रो हमने इसी तरह से कंप्लीट करनी है। तो मैं इसे पूरी कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड, इस तरह से मैंने पूरी रो सिंगल क्रोशिया से बुन ली है। अब यहाँ से हम अपनी देखिए सेकंड रो स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 4 चैन बुनेंगे और इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद फ्रेंड्स देखिए एक बल डाल लेंगे और यहाँ से गिनिए 1, 2, 3, 4, यानी चौथी चैन के अंदर हमने इस तरह से देखिए 1, 2, 3, 4, यानी कि हमने पफ स्टिच डालना है। तो इस तरह से हमने 4 बार का पफ स्टिच बनाया। अब हमने देखिए फिर 1, 2, 3, 4, 4 चैन बुनी, फिर से बल डाला, फिर से उसी चैन के अंदर हमने 4 बार का पफ स्टिच बनाना है। तो देखिए 1, 2, 3 और ये 4। अब आपने फिर से इन सबको एक साथ बुनना है। फ्रेंड्स, ये मेरे डिज़ाइन की फर्स्ट रो है। देखिए अब आपने फिर से यहाँ से, अब आपने देखिए यहाँ इस तरह से 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब आपने 5वीं चैन के अंदर बुनना है, फिर से पफ स्टिच डालना है, 1, 2, 3, 4 और इन चारों को एक साथ बुन दीजिए। फिर ये देखिए 1, 2, 3, 4, फिर दोबारा से इसी के अंदर पफ स्टिच डालिए, 1, 2, 3, 4 और इन चारों को फिर से एक साथ बुन दीजिए। फिर आपने देखिए 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से 4 बार का पफ स्टिच, 1, 2, 3, 4 और इन चारों को एक साथ बुन लीजिए, 3 और 4, फिर दोबारा से। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया है और लास्ट में देखिए कैसे बुनेंगे। लास्ट में आपने 1, 2, 3, 4 है ना, जैसे शुरू में देखिए स्टार्टिंग में 4 के बाद बुना था, तब आपने यहाँ से इस तरह से देखिए 1, 2 और ये 3। तो देखिए इस तरह से यहाँ से भी ऐसे कॉर्नर है और यहाँ से भी इस तरह से इसे कंप्लीट कर लेंगे। अब आपने क्या करना है, देखिए अब आपने सेकंड रो बुननी है डिज़ाइन की। तो देखिए एक चैन बुन ली, इसे पलट लिया। अब आपने ये जो जाली बनाई है ना, इसके अंदर आपने 1, 2, 3, 4, 5 बार आपने सिंगल क्रोशिया से बुनना है। फिर इस जाली में भी आपने 5 बार सिंगल क्रोशिया से बुनना है, 2, 3, 4, 5
फिर इसमें भी एक दो तीन चार पाँच, फिर आपने इसमें भी एक दो तीन चार पाँच, और देखिए यहाँ से आपने एक बार सिंगल क्रोशिया से बुनना है, फिर आपने एक दो तीन चार, चार चैन बुनिए, इसे पलट लीजिए। पलटने के बाद आपने देखिए एक दो तीन, और देखिए फ्रेंड्स ये पांच ने तो आप बिल्कुल सेंटर वाला उठा लीजिए, दो इधर छोड़ दीजिए दो इधर, और ये सेंटर में, यहाँ आपने यहाँ से फिर से पफ स्टिच एक दो तीन और ये चार, और इन सबको एक साथ बुन दीजिए, फिर एक दो तीन चार, दोबारा से उसी चैन के अंदर आपने बुनना है एक दो तीन और ये चार, इन सबको फिर एक साथ बुन दीजिए। फिर आपने देखिए यहाँ से एक दो तीन, यानी कि फ्रेंड्स आपने देखिए तीसरे पे यहाँ से आपने पफ स्टिच, ये हमारे पांच थे ना इस पे, तो आप तीसरे पे बनाइए एक दो तीन और ये चार, और इन सबको एक साथ बुन दीजिए। फिर चार चैन का गैप डालिए एक दो तीन चार, फिर दोबारा से उसी चैन के अंदर चार बार का पफ स्टिच बनाना है दो तीन और ये चार, इन सबको एक साथ बुन दीजिए इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए मैं इसे कंप्लीट कर आपको बता दूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से हमने इस रो को देखिए कंप्लीट कर लिया है, और देखिए बनने के बाद इसका इतना प्यारा सा लुक आया है। और अगर फ्रेंड्स आपको यह हमारा क्रोशिया वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।